नमस्कार, मैं हूं नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2023 में संतान सप्तमी व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। संतान प्राप्ति, बच्चों की तरक्की और खुशहाली और कुशलता के लिए संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विवेश पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। ऐसे में संतान सप्तमी के दिन सूर्य देवता के साथ शंकर पार्वती की उपासना की जाती है। ये व्रत पुरुष और महिलाएँ दोनों कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस साल सप्तमी व्रत कब है और पूजा मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है। इस साल संतान सप्तमी व्रत 22 सितंबर 2023 को है। इसे ललता सप्तमी, अपराजिता सप्तमी, संतान साते, दुबड़ी सप्तमी और मुक्तावरण सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी ललता प्रकट हुई थी। इस साल इस दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहे हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए महालक्ष्मी व्रत बहुत खास माना जाता है। संतान सप्तमी व्रत के पूजा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर इसका समापन होगा। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:35 से लेकर सुबह 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:90 से लेकर दोपहर 12:36 तक। गोधली मुहूर्त होगा शाम 6:18 से लेकर शाम 6:42 तक। अमृत काल का मुहूर्त होगा सुबह 6:47 से सुबह 8:23 तक। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी अपने नाम स्वरूप निसंतान दंपति को संतान प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सूनी गोद जल्द भर जाती है। वहीं जिन महिलाओं के बच्चे हैं, ये व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन के लिए रखती हैं। कहते हैं कि जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है, उन्हें भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। इससे आपके पिछले और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ संतान पैदा होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।